अस्सलाम रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक हैं। आज के नए व्लॉग का करते हैं आगाज़, और आपने बहन भाई रहना हमारे साथ साथ। तो रात हुई थी बारिश, तो बादल भी बड़ा ज़ोर ज़ोर से गर्जा था, बिजली भी चमकी थी, तो इतनी ज़्यादा नहीं है यानी कि भाई हल्की हुई थी बारिश, यानी कि रहमत की बारिश हुई है। तो हम आए थे भाई सिद्दीक की तरफ, तो अब जा रहे हैं अपने घर। तो कोई यानी कि काम था, किसी काम से सिलसिले से हम आए थे, तो वो काम हो गया, तो अब जा रहे हैं घर। तो माशाल्लाह यहाँ पे घास वगैरह भी लगा हुआ है और साग भी लगा हुआ है बहुत जगह, मुझे लग रहा खाली है वहाँ पे, कोई ना कुछ इसे लगाएंगे। चलो रुकिया सिस्टर, फिर चलते हैं घर, फिर पैदल जाना है। नहीं नाम भी टाटा टाटा कर रहा है। हाँ टाटा टाटा कर लिया ही नाम है। हाँ इसका भी अपन बाय बाय इनाम बाय बाय ओए सदके। चलो फिर चलते हैं, बच्चे वो जा रहे हैं तो बीच में से हमने बाग के बीच में से जाना है, तो ज़रा जाने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ बाग के बीच में से ऐसे वो वहाँ से ऐसे जाते थे, तो आज हम जा रहे हैं इस रास्ते से, बंद वाले रास्ते से जाएंगे, ऊपर जाके चढ़ेंगे। तो रुकिए, नहीं नहीं ये ऐसी है, मच्छर वगैरह मुझे लग रहा है कोई चीज़ ऐसे गिर रही है, तो ऐसे तो हाँ जी वो आपको ऐसे लग रहा है यानी कि भाई। तो इनाम को वहाँ पे बिठा दिया रुकिया सिस्टर ने, रुकिया सिस्टर थक गई हैं। चलो फिर थोड़ी देर यानी कि बैठ जाते हैं वहाँ पे उधर, फिर यानी कि भी चलो फिर ठीक है। इनाम इनाम थक गए हो आप, थक गए हो, ये टाटा कर दो, टाटा कर दो, बाय बाय कर दो, इनाम टाटा कर दो, ओए शद की ओए ठीक है। और बड़ी बात में क्योंकि मुझे सांस चढ़ गया, इस वजह से जरा मैं ना हटकता रही थी। और बाजी घर जा रहे हो? भाई भाई रफीक है भाई, आप इनाम को साथ ले जाओगे क्योंकि हम पैदल हैं ना। बन से हम ऊपर चढ़ के आ गए हैं, तो माशाल्लाह जी ये मुझे लग रहा है नादरा दफ्तर है। और माशाल्लाह ये देख सकते कितने पौधे वगैरह लगे हुए हैं, माशाल्लाह जी हरियाली हरियाली है। अमरूद के भी एक लाइन पे लगे हुए हैं। हाँ जी मालटे का भी, ये देखो एक लाइन पे अमरूद के हैं, दूसरी साइड पे यानी कि मालटे के हैं। वो मुझे लग रहा है किक्कर है, पता नहीं वो क्या चीज़ है, ये अनार का लगा हुआ है। हाँ जी लाइन, हाँ जी। तो यानी कि जो यानी कि अभी रहते होंगे यानी कि भी काम वगैरह करते होंगे, तो फिर सफाई वगैरह वो यानी कि पानी वगैरह करते हैं ना, पौधों को पानी क्यों नहीं देते हैं, हाँ जो है देखभाल करते हैं, हाँ जी कौन सा पौधा सड़ रहा है कौन सा नहीं, हाँ सड़ रहा है। तो जैसे ज्यादा हो जाता है रश हो जाता है, कुछ बाहर लॉन में बैठ जाते हैं, जी और जो कुछ है आगे फ्रंट में बैठे कुछ बैक साइड पे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका अपना घर वगैरह भी है जो है। क्योंकि जो लेडीज वगैरह होती हैं वो यानी कि इधर आके बैठ जाती होंगी, जो मर्द हजरात हैं वो यानी कि भाई अंदर जाके बैठ जाते होंगे। खुला डुल्ला है, ये देख सकते हैं बिल्कुल काफी काफी बड़ा है। वहाँ से लगा अभी और आगे तक भी है क्या, क्योंकि इस साइड पीछे घर बने हुए हैं, काफी काफी बड़ा है। चलो फिर चलते हैं क्योंकि खजियाँ वगैरह हैं इस तरह, यानी कि भाई हम यहाँ से हम बीच में से जाते हैं, वो उधर सामने भाई से देखा घर है, तो हम यूँ जाते हैं बीच में से उधर। चलो फिर चलते हैं ठीक है। चले जी हम काफ़ी हद तक कुदरत काफ़ी हद तक आ चुके हैं, तो यहाँ पे जी हमने देखा है माशाल्लाह ये इनके गाय का छोटा सा बच्चा भी, वो वाली गाय है वो वाली, वो उसका बच्चा है, और साथ ही उसके साथ मुर्गी हैं, दाने वगैरह मुझे लग रहा खा रही हैं। रखवाली के लिए ना मुर्गियाँ खड़ी हुई होती हैं, ये मुझे लग रहा इनका जिनका ये घर आने नहीं किया, मुझे लग बकरियाँ भी हैं। हाँ जी माशाल्लाह तीन चार नखल, तीन मुर्गे हैं और तीन चार मुर्गियाँ हैं मुझे लग रहा है, हाँ जी मुर्गियाँ साफ सुथरा। हाँ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का नजारा, काफी अच्छा लग रहा है ना, काफी हाँ। इधर देखो सारी हरेली हरेली है इधर, यानी कि किसी ने घास लगाया हुआ है, किसी ने मकई लगाई हुई है, किसी ने कुछ लगाया हुआ है, यानी कि अब कोई जगह खाली नहीं हैगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे ये केले से बनी हुई, यहाँ पे ये मकई लगी हुई है। जैसे ही जगह खाली होती है ना जी, वो किसान जो भाई लोग होते हैं ना, हाँ जी किसान जो भाई लोग होते हैं दस्ती लगा देते, दस्ती लगा देते, क्योंकि उनका तो काम ये है कि जिस तरह उन्होंने भाई यानी कि अभी फसल वगैरह यानी कि उगा के दोबारा उनके यानी कि भाई चुनाई वगैरह करके दस्ती वो लगा देते हैं, तो यही तो उन्हें फायदा होता है। अब देखो सारी चार तरफ यानी कि भाई
गर्मी सर्दी यानी भैरी माशाल्लाह बनती रहती है, बनती रहती है, किसी चीज की कमी नहीं होती है, कमी नहीं होती। सही कह रहे हैं, सही है, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी से नीचे उतने लग रहे हैं, यहाँ से ऐसे करके सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, इनके जगह प्लेन से करी हुई है, हमारे लिए सीढ़ियाँ यहाँ पे हमारे बारिश होती है ना जी, तो ये इधर बच्चे ऐसे स्लाइड ऐसे वो घिलते यूं जाते हैं, स्लिपिंग करते हुए जाते हैं बच्चे। चलो फिर आराम आराम से चलना, कभी गिर ना जाना। और माशाल्लाह जी शाम का मंजर देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है, और यहाँ भी मुझे लग रहा है ये घास वगैरह है और साग है। सरसों का तेल निकलता है। अच्छा, इसका तेल निकलता है, ये तेल होता है ना सरसों का, ये पीले पीले है। अच्छा, सही लगा हुआ है, अच्छा। आपने तोड़ा है कभी? तोड़ा नहीं है, मुझे पता है क्योंकि मैंने अपनी जो नंद है ना उनसे मैंने कहा था कि मैं ना अचार डालना है। अच्छा, तो ना वो कहते हैं आप ना अभी एक महीना ठहर जाए। अच्छा, तो नए ध्यान से नए तेल से, तेल के सरसों से आपने वो डालना है तेल। अच्छा, चलो फिर ठीक है। और यहाँ पे ये मकोड़े भी जा रहे हैं, छोटे छोटे हैं, मगर इस मकोड़े पे हमने पाँव नहीं रखना क्योंकि ये भी एक जानदार है, अल्लाह मियां ने जान दी हुई है, तो इन यानी कि वैसे भी गुनाह मिलता है अगर ये पाँव के नीचे आते हैं ना, तो इन्हें यानी कि गंदम डालने चाहिए या बाजरा वगैरह डालना चाहिए। ये देखो छोटे छोटे हैं मकोड़े निकले हुए भी, गंदम की पैदावार नहीं है, अपना हिस्सा लेके जा, हिस्सा लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं ना भावे इंसान हो तो भावे जानवर हो, हर किसी ने अपना यानी कि भाई नसीब लेके जाना होता है। चलो फिर ठीक है, चलते हैं खाने खाने का नाम। सही है, बन से हम नीचे उतर चुके हैं, तो यहाँ पे जी माशाल्लाह जी कितने ज़बरदस्त हरे हरे प्याज लग गए हैं, अरे इतने सारे ही प्याज ही प्याज हैं, यहाँ नज़र जाए वहीं चारों तरफ प्याज ही प्याज हैं। ये इस साइड पे मुझे लग रहा है ये घास लगा हुआ है ना, ये मकई है। अच्छा, मकई है, अच्छा मकई लगती है ना छल्ली वाली। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा सही है। चलो फिर चलते हैं घर। ये पूरा जो अच्छा है ना ये सारा प्याज का है, ये सारे प्याज है तकरीबन। ये देखो किसी के यानी कि भाई ना प्याज बड़े हैं और किसी के यानी कि वहाँ से उधर वो छोटे प्याज हैं, दिखाती हूँ मैं आगे जाके जरा ना। ये मसाला हरे भरे हुए हैं। हाँ जी, यानी तैयार हो चुके हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, महीने डेढ़ महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे। चलो जल्दी होएंगे तो कुछ प्याज भी जरा सस्ता होएगा। हाँ जी, सस्ते होएंगे। आगे फिर रमजान भी आ रहा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला खैर का दिन लाए। हाँ, रहमतों का बरकतों का महीना होएगा। हाँ जी, ये देखो ये छोटे छोटे हैं, ये देखो साथ बत्तों भी साथ लगा हुआ है और ये छोटा है, यानी कि भाई प्याज छोटा है बहुत ज्यादा, तो बस कहीं यानी कि जल्दी हो गया कहीं देर से होया, कहीं लोगों ने जल्दी लगा लिया कहीं जरा लेट लगाया, लेट लगाया इसलिए फिर यानी जो है फर्क होता है। हाँ जी, महंगा होता है सस्ता होता है। हाँ जी, फिर ये मंडी में देखते हैं किसान भाई। हाँ जी, माशाल्लाह यहाँ पे भी मटर उगना शुरू हो चुके हैं, ये देखो देख सकते हैं यहाँ पे अभी ना यानी कि अभी दाना नहीं, अभी सही तरह भी जरा होया तो जो हमारी साइड पे है वो जल्दी हो गया है, हरे भरे भी हैं और दाना भी अच्छा है। हाँ जी, साइड पे कहीं कहीं लगा हुआ है, कहीं कहीं नहीं लगा हुआ। हाँ जी, तो उस साइड पे अच्छा यानी घना घना लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, उस साइड पे देखना ना साइड। हाँ, वो साइड पे सामने घना घना लगा हुआ है, तो मैं जा रही हूँ यहाँ से इधर यानी कि घास वगैरह लगा हुआ है। हाँ जी, ये यूं जाता है उधर घास में पानी जाता है। हाँ, और ये और फिर खाला यूं जा रहा है इस साइड पे। हाँ जी, ये कन गंदुम है मुझे लग रहा है, लगता है शायद क्या पता घास हो। हाँ जी, ये मुझे लग रहा है रकबा ना उन भाई का है, वो जो सामने खड़े हैं ना, वो सामने ही मस्जिद आएगी, उन्होंने जानवर वगैरह भी अपने रखे हुए हैं। और यानी कि माशाल्लाह जी काफी यानी कि भाई सहूलत है उन्हें। हाँ जी, हम घर पहुंच चुके हैं, तो आते के साथ ही हमने देखा है शौकत भाई यानी कि रेड़ी पे मिट्टी लेके आए हैं, तो ये खुड्डे पे डालने लग रहे हैं क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है, बारिश वगैरह भी आ सकती है, तो इसीलिए बारिश का बताया हुआ जी खबरों में। अच्छा, मैंने कहा ये लीप दूं। अच्छा, चलो मुर्गियां सुकून से बैठी रहेंगी। हाँ जी, ये ना ये गारे की लिपाई करोगे या पानी छिड़काव करोगे? नहीं, गारे की लिपाई करेंगे। अच्छा, ये वाला उधर इनाम भी रो पड़ा है, उस तरह मैंने पानी वगैरह भी छिड़क लिया है, तो पानी छिड़कने के बाद फिर उसके बाद मैं झाड़ू दूंगी सारे सहन की सफाई वगैरह करूंगी, तो बाल्टी अभी खाली हुई हुई है, तो इसे पहले बाल्टी को पानी की भर के लाती हूँ, फिर सहन में पूरे पानी छिड़क के अच्छी तरह फिर यानी कि भी झाड़ू वगैरह दूंगी, तो इतना ही पानी की बाल्टी आके भर लाती हूँ मैं। फिर जी माशाल्लाह जी मुनीब के पप्पा ने कबूतर वगैरह खोले हुए हैं, तो अब ये दाने उन्होंने खा लिया है,
तो ये अपने अपने घर चले जा रहे हैं। ये एक कबूतर भी बंदा चला गया और डोंगी भी निकला हुआ है बाहर, वो भी मुझे लग रहा है कुछ मांग रहा है। और कुछ कबूतर दीवार पे बैठे हैं वहाँ पे सामने की तरफ। तो यहाँ पे जी शौकत भाई ने मिट्टी वगैरह अच्छी तरह जमा दी है, तो अब यानी कि भाई बाल्टी से भर भर के छिड़काव करने लग रहे हैं ताकि थोड़ा गुना सुबह तक ना ये सख्त हो जाएगी। अच्छा, फिर लपाई बड़े आराम से हो जाएगी। अच्छा, गारे की लपाई करोगे? जी हाँ। अच्छा सही है, चलो ठीक है। माशाल्लाह जी बिल्कुल देखो सेट हो गया मुर्गियां वगैरह आपकी, क्योंकि गर्मी आ रही है तो मुर्गियों का सही कर आपने खुडा ना बैर बना दी है, तो मुर्गियां भी ज़रा सुकून में रहेंगी क्योंकि ये दरख्त हैगा, दरख्त के नीचे यानी कि भी खुडा बना हुआ है, तो गर्मियों में माशाल्लाह इसकी दूध की बहुत छाँव होती है। कितनी मर्जी धूप हो ना यहाँ धूप नहीं आएगी हाँ। फिर गर्मी भी नहीं लगेगी ना, छाँव ही रहेगी। हाँ जी, ये देख सकते हैं छोटा छोटा भी फल उठाया हुआ है उन्होंने, बहुत ही छोटा छोटा फल उठाया हुआ है अभी से, यानी कि अभी फल उठा लिया माशाल्लाह जी। और इसका फल भी माशाल्लाह बहुत ही मीठा होता है। शतु मीठा है? हाँ जी, पहला फल खाया हमने। अच्छा, बहुत ही मीठा था माशाल्लाह, जबरदस्त। तो अब क्या, तो और भी फिर मीठा होएगा ये, रोजे भी रखेंगे और ये फल भी खाएंगे। सही है, चलो ठीक है भाईजान, अभी अच्छी तरह छिड़काव वगैरह कर लो। तो ये मैं मनीप को कहती हूँ आपको ये बाल्टी पानी के भर देता है, क्योंकि फिर ज्यादा आप काम ना करो ना, फिर आपके पाँव पे ना सोजन आ जाएगी। जी बाजी फातिमा ने दूध अच्छी तरह गर्म कर लिया है, तो अब यानी कि दूध गर्म गर्म पीने लग रही हैं। तो वहाँ पे जी मैं भी बेटा ने बर्तन वगैरह धो के सामने रख दिए हैं। हाँ, अच्छी बात है ना, पी लो ताकि आपकी ये कमजोरी वगैरह वो खत्म हो जाएगी। हाँ जी, शाम का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह जी मैं भी बेटा गोभी बना रही है, गोभी आलू बनाने लग रही है। तो आज लेट हो गए, आज मैंने कहा लेट हो गए। अच्छा काफी, चलो फिर ठीक है, आप ये कर लो। अम्मी जी आई हुई हैं, तो अम्मी जी से फिर बात करते हैं, तो दुआ सलाम करते हैं। तो अम्मी को कहते हैं खाना वगैरह खा के आपने फिर जाना है, ठीक है? और आपकी अम्मी अंदर लेट गई हैं? हाँ जी, अम्मी अंदर लेट गई हैं। चलो फिर ठीक है, आप कर लो चिकन बनाई वगैरह, कर लो पानी डालने लग रही है। हाँ जी, बनाई होगी। बस थोड़े पानी डालना ताकि ना ये इसी में ना हल्का थोड़ा पानी डल जाएगा ना, तो ताकि इसी में ही फिर गल जाएगी। सिस्टर ने पापे मंगाए हैं और दूध भी मंगाया है, तो मैंने भी दूध मंगाया और पापे मंगाए हैं। तो बच्चे कहते हैं भाई हम रोटी नहीं खाते, आज चाय पापे खाएंगे। तो भाई जान आप सुनाओ, आपकी तबीयत ठीक है? बस आज ज्यादा सोच हो गया। अच्छा हाँ, चलो आज सारा दिन ना थोड़ी टेंशन थी। हाँ जी, अल्लाह मैंने उसमें भागते रहे। हाँ जी, ज्यादा दवाइयां तो खाई नहीं थी। हाँ जी, अच्छा, तो बस जाते रहे। अच्छा, और जी आप सुनाओ ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, और जी अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी बेटी और मेरी बहनों ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र, हम भी सब ठीक ठाक है। आपकी तबीयत ठीक है? बस मेरी भी ठीक ही है तबीयत, बस मेरा जवाई बीमार था। हाँ जी, पूछने वास्ते आई हूँ, बड़ी टेंशन है मुझे। हाँ जी, बहुत ही टेंशन है, इतनी टेंशन है ना, बहुत ही टेंशन। बस कोई नहीं अम्मी जी, आप नमाज पढ़ा करो सबके लिए, भाइयों के लिए, बेटों के लिए, सबके लिए आप दुआ मांगा करो भाई, जो हमारे पर यानी कि भाई ये मुश्किल घड़ी है, अल्लाह मियाँ ये मुश्किल घड़ी दूर कर दे। तो कोई नहीं, सबके लिए दुआ मांगनी आपने। और चलो अच्छा, कोई बात नहीं, दुख तकलीफ तो इंसान पे आती है, कहीं खुशी तो कहीं गम। हाँ जी, ये तो बात सही है जहरा। और आपकी वो छोटी बहू ठीक है? हाँ जी, वो भी ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, और कोई ऐसा सिस्टर आप सुनाओ? ठीक है। अच्छा भाई जान, पता नहीं क्यों परेशान खड़े हैं भाई जान। भाई भी कह रहे हैं मेरे कान में नहीं है, कोई चीज चली गई है। हाँ, कान में कोई चीज चली गई है, कोई चीज चली गई, मच्छर वगैरह। और परेशानी है ना थोड़ी? हाँ बस कोई नहीं, अल्लाह ताला जो परेशानी, अल्लाह ताला ने हमारी परेशानी दूर कर दी है। तो बाकी कोई नहीं, अल्लाह ख्याल करेगा, बस नमाज पढ़ा करो, दुआ मांगा करो सबके लिए कि अल्लाह ताला जो परेशानी आई है अल्लाह मियां परेशानी दूर कर दे। और अम्मी आप सुनाओ? ठीक है, ठीक है, शुक्र है। बस सीने में जलन होती है, वजूद में दर्द होता है, बस इतना ही, बहुत ही कमर में इतना दर्द होता है, बहुत ही। बस अम्मी पता क्या है, एक तो यानी कि भाई कमजोरी भी है, कुछ खुराकें भी आपको पता फिर ऐसी सी आएंगी, फिर वो नहीं लगती है, नहीं लगती है बिल्कुल भी। गोभी होगी ये बादी होगी, चावल होगी ये बादी होगी, तो बंदा फिर खाए तो बंदा क्या खाए। चलो फिर ठीक है अम्मी जी, आप आराम करो, फिर कोई ऐसा चाय वगैरह बनाती है, फिर चाय वगैरह पीते हैं फिर। चलो फिर रुकिया सिस्टर आप चाय बना लो, ठीक है? रुकिया सिस्टर अम्मी जान के लिए चाय बना रही हैं और बच्चों को चाय पापे दे दिए, दूध वगैरह इनके दे दिए बच्चों को। तो ये रुकिया सिस्टर किसके लिए हैं?
ये बिलाल के पापा के लिए। अच्छा, अम्मी को दे दी आप चाचू के लिए। अच्छा, मोजाटू के लिए सही है। तो चाय वगैरह बन गई आपकी? हाँ जी, बस इसमें थोड़ा सा मीठा डाला मैंने। अच्छा, तो शौकत भाई को तो आपने फिक्की नहीं देनी? नहीं, वो सिर्फ दूध दूंगी मैं। अच्छा, पापे कर खा लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। चाय मीठी है ना? मीठी नहीं देनी, स्वेलिंग आ रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये लो आप लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करे। ये लो दूध पकड़ो, या दूध डालना पतीली में डालना। अच्छा चलो फिर, ठीक है, आप ये चाय वगैरह दे दो। ठीक है।